हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से जो अपने नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कुछ बेसिक जो है टाइप डिस्कस कर लिए थे, फ्यूजन, और फ्यूजन के अंदर भी बाइनरी फ्यूजन, अमीबा के अंदर पढ़ा था हमने, पैरामीशियम के अंदर पढ़ा था बच्चों, और यूग्लिना के अंदर पढ़ा था। तो आज का है ना, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। पहले तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब है, मान लीजिए कोई सेल है बच्चों, ये यानी इस तरह से डिवाइड हो रही है, वर्टिकली डिवाइड हो रही है, या फिर कोई ये सेल है ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रही है, या फिर कोई एक सेल है एसिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर डिवाइड हो रही है, किसी भी जगह से यानी कि डिवीजन हो रहा है इसके अंदर। तो बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पे किस तरह से हम इनको बांटते हैं, या कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन ही डिस्कस करेंगे हम इनके अंदर। सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली क्या है, बाइनरी फ्यूजन, और किसके बेसिस के ऊपर, बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बाइनरी फ्यूजन यानी कि कोई एक सेल है, एक सेल दो डॉटर सेल बना देगी। तो पहला टाइप है इसका सिंपल बाइनरी फ्यूजन बच्चों, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। दूसरा जो टाइप्स होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यानी कि किस तरह से कट लगेगा, इस तरह से, और डिवाइड करेगा। एक्चुअल में हम उसको क्या बोलेंगे कि किस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल पैटर्न्स के डिवाइड करेगा। तो हमने एग्जांपल पढ़ा था ना बच्चे, इसके अंदर यूग्लिना, यूग्लिना जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा के अंदर, अमीबा डिवाइड बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद है बच्चों ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन ये होता है, एग्जांपल है इसका बच्चों पैरामीशियम। दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर अमीबा, अमीबा भी हो सकता है इसमें, अमीबा दोनों तरह से डिवाइड करता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अब नेक्स्ट जो है बच्चों इसके अंदर ओब्लिक, ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन। बहुत सारी बुकों के अंदर ये मेंशन नहीं है, ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन जो है ना ही एनसीईआरटी के अंदर मेंशन ये चीजें। लेकिन बच्चों जो पहले एम्स का पेपर होता था ना, एम्स जो होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, तो उसके लिए ना जो एग्जाम होता था बच्चों, वहां आया हुआ क्वेश्चन है भी जो ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन का टाइप होता भी है या नहीं होता। तो हम बेसिकली पढ़ लेते हैं रेफरेंस बुक के अंदर, कई बुकें हैं जैसे कि एमटीजी वगैरह में दी हुई होती है चीजें, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड सिंपल। लेकिन ये चीज बहुत रेयर मेंशन मिलेगी, रेयर ही होती है, ये कई बुकों के अंदर नहीं होती। तो आज है ना थोड़ा सा नया है ये ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन बेसिकली किसके अंदर होगा, पहले होगा इसके अंदर बच्चों साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। किस तरह से डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, ठीक है, साइटोकाइनेसिस अकर्स, ठीक है। अब यानी न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे किसके पैटर्न से, ऑब्लिकली यानी कि ऑब्लिक ऐसे न्यूक्लियस डिवाइड कर देंगे, मान लिया ये न्यूक्लियस है तो ऑब्लिकली डिवाइड कर देंगे न्यूक्लियस। और ये पाया जाता है किसके अंदर, एक जो है ना एल्गी है बच्चों, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट से बिलोंग करते, वैसे तो सेरिएटम एल्गी बोलते हैं इसको, या फिर सेरिएटम जो एल्गी एग्जाम्पल है इसका बच्चों, सेरेटियम एल्गी, और किससे बिलोंग करती हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो उसके अंदर जो ऑब्लिकली डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, कैरियोकाइनेसिस नहीं, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस डिवीजन, लेकिन ये साइटोकाइनेसिस है तो सेल किस तरह से डिवाइड करेगी, ऑब्लिकली डिवीजन होगी इसके अंदर। तो ये होगा यानी कि टाइप्स बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, सिंपल
लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक बाइनरी फिजन, ये चार टाइप्स के होते हैं। उसके बाद है इसमें जो नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है, एक टर्मिनोलॉजी होती है स्पेशल जो है प्लाज्मोटोमी, किसी बच्चे को पता है क्या होता है प्लाज्मोटोमी, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। प्लाज्मोटोमी एक तरह का फ्यूजन होता है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जो प्रोटोजोआ है डिवाइड होते हैं, क्या होगा ये ए टाइप ऑफ फ्यूजन इन विच, जिसके अंदर क्या होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ क्या करेंगे डिवाइड्स करेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ डिवाइड करेंगे और किसके अंदर दो या दो से ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर डिवाइड्स इनटू टू और मोर देन टू न्यूक्लिएटेड डॉटर सेल, यानी मान लिया कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्या है प्रोटोजोआ। अब ये इस तरह से डिवाइड करेगी यानी कि जितनी भी डॉटर सेल बनेगी ना उनके अंदर भी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिलेगी, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, उसको हम बोलते हैं बच्चों प्लाज्मोटोमी। ठीक है, क्या होगा प्लाज्मोटोमी, कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ है पेरेंट प्रोटोजोआ है और उनसे जो डॉटर सेल बनेगी उनके अंदर भी न्यूक्लियस बहुत सारे होंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। अब एग्जाम्पल है इसके अंदर, एग्जाम्पल बड़े ही जो है इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है पिलोमैक्सिया, पिलोमैक्सिया और दूसरा है ओपलिनिडिस, ओपलिनिडिस। ठीक है, पिलोमैक्सिया एक्चुअल में फ्लैजिलर अमीबा ही होता है, पिलोमैक्सिया क्या हो गई है फ्लैजिलर अमीबा। ये दोनों एग्जाम्पल है जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कोई प्रोटोजोआ है वो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होगा तो हर एक सेल के अंदर वही क्या हो जाएगा क्या देखने को मिलेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। ये था बच्चों प्लाज्मोटोमी। अब इसके बाद है ना जो अलग टाइप है किसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और जिसको हम बोलते हैं बडिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम छोटी क्लासों से पढ़ना इसको स्टार्ट कर देते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है एक्स्ट्रा ग्रोइंग पार्ट या डॉटर जो इंडिविजुअल किससे बनेंगे स्मॉल पार्ट ऑफ बड। ठीक है, जैसे हम देखते हैं बच्चों हाइड्रा होता है ना, जो हाइड्रा ये इसके अंदर कुछ जो है आउट ग्रोथ हो जाती है, ये है इसकी बड। आगे जाके ये क्या है पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट बॉडी। ठीक है, और ये बड अब धीरे धीरे क्या होगा जैसे ये मल्टी सेलुलर जो मल्टी सेलुलर स्टेज के अंदर इस तरह से हम एक बार इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा अपने आपको। आगे जाके क्या होगा सेम वही डिवीजन होगा पेरेंट बॉडी में, ग्रोथ है ना इसकी बहुत सारी हो जाएगी और फाइनली जो है फाइनली इसके अंदर क्या होगा यानी कि इस पेरेंट्स बॉडी से एक और जो है हाइड्रा बन जाएगा। जैसे यहां है अब ये है अलग हो गया और एक और हाइड्रा का फॉर्मेशन कर दिया। तो बड्स किससे है एक्स्ट्रा ग्रोइंग जो पार्ट होता है, बड किसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्रोइंग पार्ट या आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ। बड जो है ना बच्चों बड होती है दोनों तरह की, किसमें है हमने किसको बोला है बडिंग इन हाइड्रा, ईस्ट के अंदर भी हो सकती है बडिंग इन हाइड्रा। तो बडिंग की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे भाई बडिंग क्या होता है
बडिंग क्या है भाई, कोई भी इंडिविजुअल बनेगा तो आउट ग्रोथ से या एक्स्ट्रा पार्ट से कोई नया इंडिविजुअल बन जाएगा। बडिंग इन ईस्ट और बडिंग इन हाइड्रा, ईस्ट के अंदर भी होती है। ईस्ट जो क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई। आ रहा है ना बच्चों समझ में? हाँ अच्छे से पढ़े फुल डिटेल में नीट के लेवल का। बेसिकली हमारा जो फोकस है नीट से भी अपर ही जाता है हमारे टॉपिक जो है, चाहे कोई बीएससी का स्टूडेंट भी देख सकता है, जिसको जो बेसिक कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन करना हो किसी टॉपिक के अंदर तो नो प्रॉब्लम। प्लस टू से ऊपर जो है ग्रेजुएशन के बच्चे भी देख सकते हैं इन लेक्चर को। अब बडिंग इन एनिमल्स जो है, बडिंग इन ईस्ट के अंदर बडिंग कैसे होती है? बडिंग इन ईस्ट हमें ये पता है भी, ईस्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा जो है पार्ट डेवलप हो जाते हैं, मान लिया ये ईस्ट सेल है और ये बड है इसकी, ये इसमें क्या है इसका न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है। धीरे धीरे सबसे पहले कोई भी सेल डिवीजन होती है ना, न्यूक्लियस डिवाइड करती है। अब ये है इसका बड, आउटग्रोथ है। अगली स्टेज में क्या होगा, ये आउटग्रोथ एज इट इज रहेगी, लेकिन ये जो है ना इसके अंदर थोड़ा कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आ जाएगा। ये न्यूक्लियस जो है किसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस बड के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस जो है शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, इनटू द आउटग्रोथ। देखो ये जो है ना न्यूक्लियस डिवाइड कर इसकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, न्यूक्लियस शिफ्टेड इनटू आउट ग्रोथ। किसके अंदर चला गया, आउट ग्रोथ के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है ना इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो आ जाएगा इसमें, इस बड के अंदर इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ जाएगा यहां, और ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर गए। अब बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी, लेकिन नेक्स्ट आगे जाके ये अलग से ही क्या बना देगी, अपनी जो है इसी तरह की सेल बना देगी। तो देखो बड से यानी कि नया जो है ऑर्गेनिज्म बन गया, इसके अंदर है बडिंग इन ईस्ट, न्यूक्लियस शिफ्ट हो गए आउटग्रोथ के अंदर, आउटग्रोथ यानी कि बड। और यहां से फिर आगे जाके ये डिवाइड करेंगे, बहुत सारी जो सेल बना देंगे इनसे, ऐसी ऐसी मल्टीपल सेल बना देंगे, ठीक है। ये होता है बच्चों बडिंग इन ईस्ट। तो बडिंग स्टेज इन ईस्ट जो है किससे रिजेंबल कर रही है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 90% बच्चों को नहीं पता है। बडिंग का जो दूसरा नाम होता है टोरुलेशन बोलते हैं इसको, टोरुलेशन। दसवीं क्लास तक पढ़ते हैं बच्चे, ट्वेल्थ के अंदर पढ़ लेते हैं, नीट भी क्रैक कर लेते हैं अच्छे वाले, लेकिन टोरुलेशन जो है ना बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पे। टोरुलेशन हमें सबको पता है बडिंग होती है ईस्ट के अंदर, हाइड्रा के अंदर, लेकिन इसको हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, टोरुलेशन। क्यों बोलते हैं बच्चे इसको टोरुलेशन, टोरुलेशन हो जाना ये पता है क्या है, जो बड है किससे रिजेंबल करती है, बड्स रिजेंबल्स विद टोरुला, किससे रिजेंबल करती है, टोरुला जीनस से, ठीक है ना, टोरुला जीनस से रिजेंबल करती है। तो हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टोरुलेशन, इसका दूसरा नाम है टोरुलेशन। बर्ड्स में भी एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों तरह की हो सकती है बच्चों बडिंग, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। ये एक्सोजीनस बर्ड है, ठीक है, एंडोजीनस बर्ड भी होती है जैसे स्पंजेस के अंदर होती है, ये है ना। किसमें बताया है बच्चों, थोड़ा सा और यदि डीपली पढ़े ना, वैसे कई आता नहीं है, अब तो पेपर थोड़ा सा आसान आने लग गया पहले की कंपैरिजन में, पहले पूछ लेते थे जो टाइप्स ऑफ बर्ड है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए काम आ जाएगा आपके जो है डायग्राम, नीट में सीधा ही पूछेंगे न्यूक्लियस शिफ्ट होगा तो क्या होगा आउटग्रोथ के अंदर, उसके बाद डिविजन हो जाएगा, टोरुलेशन क्या है अदर जो नेम से जानते हैं इसको, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ बर्ड है ना, एंडोजीनस भी हो सकती है और एक्सोजीनस भी हो सकती है बर्ड्स के जो टाइप्स हैं,
टाइप्स ऑफ ब्लड, एग्जोजीनस और एंडोजीनस। नाम से पता लग रहा है, एग्जोजीनस यानी कि आउट ग्रोथ, बाहर की तरफ यानी आउटर साइड, ठीक है। एग्जाम्पल किस में देखा था हमने, हाइड्रा के अंदर भी सेम केस था, और किस में था एग्जोजीनस ब्लड, अभी जो पढ़ा है बच्चों ईस्ट के अंदर, ठीक है। एंडोजीनस ब्लड होती है, आपने पोरीफेरा सुना है बच्चों, एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम पोरीफेरा, हाँ शुभम, पोरीफेरा लक्ष्य, पोरीफेरा क्या होता है, पोरीफेरा पोर्स होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, पढ़ा है ना, अरे एल्गी नहीं होती पोरीफेरा, हाँ स्पंज, क्या बोलते हैं हम उनको कॉमनली, स्पंज, ठीक है ना, स्पंज। पोरीफेरा की बॉडी कैसी होती है, मैंने उस टाइम डायग्राम से भी बताया था तुम्हें बच्चों याद हो तो, ऐसे यानी कि पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं उसकी पूरी बॉडी में, होल्स जिसको बोलते हैं। अब उसकी पूरी बॉडी में क्या है, होल्स है ऐसे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पोरीफेरा। ऑस्कुलम वगैरह कैविटी वगैरह होती है वो तो एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं बच्चों, पोरीफेरा के अंदर है ना बच्चों एंडोजीनस बड होती है, क्या होगी, एंडोजीनस बड्स। लेकिन है ना हम क्या करते, हम बेसिकली इसको ऐसा नहीं आइडेंटिफाई करते एंडोजीनस बड है, हम तो यही पढ़ते हैं कि सर जो है ना स्पंज, स्पंज में तो जेमोल्स होते हैं, जेमोल्स या गेमोल्स प्रोनाउंस करते आप, गेमोल्स इन स्पंज, एनसीईआरटी के अंदर भी है ये, ठीक है ना, स्पंज इन गेम्यूल्स, जो गेम्यूल्स होते हैं किसमें, स्पंज के अंदर। एक्चुअल में जो स्पंज है, स्पंज के जो गेम्यूल स्ट्रक्चर है, गेम्यूल्स एंडोजीनस बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जो है ना सीडीएलयू यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया था, एमएससी में, सीडीएलयू में एमएससी का जो एग्जाम होता है ना बॉटनी के अंदर, और बॉटनी में जब आप पढ़ते हो इनके बारे में जो है जेम्यूल्स वगैरह, या फिर एनिमल किंगडम से रिलेटेड भी प्लस टू में भी है, कई बुकों में डिटेल में है, लेकिन पूछ लिया था भाई एंडोजीनस बड जो है ना, एंडोजीनस बड ही क्या कहलाती है, जेम्यूल्स। अब इसके अलावा थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, एंडोजीनस बर्ड है, एक्सोजीनस बर्ड्स हाइड्रा एंड ईस्ट। उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर 10+2 की जो एनसीईआरटी है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक डायग्राम बना रखा है, और उस डायग्राम को है ना हम सीखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम है लेकिन उसके अंदर मेंशन नहीं है सारी चीजें, ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको पेल येलो कलर के, उसके अंदर ये सेल्स जो है अरेंज है, आप देखना बच्चों एनसीईआरटी में वो डायग्राम, प्लस टू की जो एनसीईआरटी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, जो गेम्यूल्स की स्ट्रक्चर, गेम्यूल्स की स्ट्रक्चर है ना उसमें है, लेकिन उसमें मेंशन नहीं है क्या है उस स्ट्रक्चर का, क्या नाम है उसमें, एक ऐसी नोब लाइक स्ट्रक्चर है या ओपनिंग होती है, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाया मिलेगा, और यहां जो उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर है इसके चारों ओर, प्लस टू की एनसीईआरटी है बच्चों, उसमें आराम से आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें है ना स्ट्रक्चर के नाम है, एक तो है स्पेक्यूल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और इन सेल को हम क्या बोलेंगे, इन सेल का क्या नाम है, ए से मैंने पहले भी बताया है, ये स्ट्रक्चर करवाई है, रैक्योसाइट्स यानी सेल है ये, रैक्योसाइट्स, ठीक है। और जो आउटर ओपनिंग है वो हमने डिस्कस कर ही ली, माइक्रोपाइल, देन स्पेक्यूल, स्पेक्यूलर ये, और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है किसकी, जेम्यूल्स की,
इतना डिटेल में वैसे आता नहीं है, बीएससी वगैरह में पूछ लेते हैं, बीएससी में तो थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन नीट वगैरह में नहीं आता, बट पता होना चाहिए हमें जो बेसिक है वैसे तो ही, क्योंकि यदि एनसीईआरटी के अंदर स्ट्रक्चर मेंशन है तो उसका कुछ कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए चीजें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में इतना है। आगे है टाइप्स और है बच्चों रीजनरेशन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ, क्या होता है बेटा शुभम, रीजनरेशन ग्रो करना दोबारा से। अच्छा, तो यानी कि दोबारा से ग्रो करना रीजनरेशन किससे होगा, ये एबिलिटी होती है रिपेयर करने की या रीग्रो करने की। कोई बॉडी का मान लिया ऑर्गन है वो लॉस्ट हो गया, क्या होगी सबसे पहले तो एबिलिटी, एबिलिटी टू रीग्रो और रिपेयर, रिपेयर होगी या फिर रीग्रो होगी, क्या चीज लॉस्ट ऑर्गन। ठीक है, जो ऑर्गन यानी कि खो दिया गया है बाई एक्सीडेंटल केस, यानी जैसे प्लांट के अंदर होते हैं ना कई पार्ट, एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, रीजनरेशन प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। ठीक है, जैसे सेलेमेंड्रा के अंदर है ना लिंब, लिंब उनके टूट जाते हैं तो उसके अंदर रीजनरेशन होता है। तो एक्चुअल में है ये एबिलिटी, लेकिन किसके अंदर है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, एबिलिटी टू रीग्रो और रिपेयर द लॉस्ट ऑर्गन इन पार्ट और एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है इन उसके अंदर यानी कि रीग्रो करेगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑन एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल है, चलो हम थोड़ा सा टाइप के बारे में बताते हैं, बाकी जो डिटेल कल वाले लेक्चर में करेंगे हम। दो तरह के होते हैं रीजनरेशन जो है, एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस और पहला है एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। अब रीजनरेशन के अंदर देखो, एक तो रीजनरेशन ऐसा होता है भाई कोई पार्ट टूट गया वो पार्ट बन गया। ठीक है, हाँ कोई भी पार्ट हो सकता है। ओके, क्या ये बड़ा, इसके बारे में ही बता रहा हूं, यानी कोई पार्ट टूट गया तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा ओनली लॉस्ट ऑर्गन, लॉस्ट ऑर्गन या फिर पार्ट रीग्रो करेगा, नॉट ए कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी रीग्रो नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल है सेलेमेंड्रा होता है ना जो बच्चों, लिंब इन सेलेमेंडर, सेलेमेंडर के जो है ना लिंब कई बार जो है एक्सीडेंटल केसेस या एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लिंब जो है उनके टूट जाते हैं, तो लिंब का जो है रीग्रो करना वो किसके अंदर आएगा, एपिमॉर्फोसिस। और मॉर्फोलेक्सिस के अंदर हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉर्फोलेक्सिस के अंदर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है रीग्रो कर जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से इसको देखना है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।